दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि आज बॉलीवुड के दबंग खान की मच अवेटेड फिल्म यानी कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ को सिनेमा घर में रिलीज किया जा चुका है। और भाई आज इस फिल्म को जिस तरीके का सपोर्ट मिला है ना मेरे भाई बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म आज ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में झंडे गाड़ देगी। तो क्या ऐसा हुआ है? चलिए मैं आपको बताता हूं आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से कि भाई ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की उस फिल्म से, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार तो काफी दिनों से गर्म था कि भाई जब ये फिल्म हम लोगों के सामने आएगी तो उसके बाद हमें भाई का दम देखने को मिलेगा सिनेमाघर में। और भाई ने तो इस फिल्म के माध्यम से जिस तरीके से एंट्री मारी ना मेरे भाई बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद तो भैया हेटर्स जो है ना वो लापता गन चले गए हैं मेरे भाई। और आज अंतिम को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे भाई। मैं तो यही कहूंगा कि यह फिल्म किसी फेस्टिवल पर रिलीज नहीं हुई है, आज एक नॉर्मल डे है। और नॉर्मल डे पे भी अगर इस फिल्म को ऐसा सपोर्ट मिला है अगर बोले भैया इस कोरोना काल में, तो दोस्तों ये बुरा रिस्पांस नहीं है अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए। यानी कि भैया आज इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था ना वो था 8.66% का, यानी कि 8.66% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में मिला। उसके बाद इस फिल्म को आफ्टरनून के शो में जो भैया रिस्पांस मिला है ऑक्यूपेंसी के माध्यम से तो वो है 9.80% का, यानी कि 9.80% लोगों ने इस फिल्म को अपना प्यार अपना सपोर्ट दिया है आफ्टरनून के शो में। और उसके बाद भाई इवनिंग के शो में तो भैया जंप मिला है इस फिल्म को मेरे भाई बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को 13.82 लोगों ने अपने प्यार से सपोर्ट किया है मेरे भाई, यानी कि 13.82% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को इवनिंग के शो में मिला है। और इस टोटल डे के इस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को जोड़ने के बाद आज इस फिल्म को ओवरऑल पूरे डे में मतलब पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो है 10.76% का, यानी कि 10.76% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को पहले दिन मिला है बॉक्स ऑफिस पर, जिसकी मदद से ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर लेगी 5 करोड़ 10 लाख रुपए का। भाई बहुत कम है मेरे भाई, ये दबंग खान की फिल्म है और पहली बार कोई ऐसा रिपोर्ट आप लोगों से बताते हुए थोड़ा सा मैं भी अचंभित हूँ। लेकिन क्या कहें, ये कोरोना काल है, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो भाई ये जो 5 करोड़ 10 लाख का जो आंकड़ा हम लोगों के सामने नजर आ रहा है भैया इस फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन, ये कलेक्शन कुछ और ही होता। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई इस फिल्म को यानी कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है आज पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्पांस कल बढ़ेगा और परसों यानी कि संडे को ये फिल्म 20 से 25 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।